अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत रिफ्रेशिंग जामुन का जूस। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बना रहे हैं हम जामुन का जूस। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश जामुन लिए हैं। इसके बाद इनको हम छील और उसकी गुठली निकाल देंगे और इसका जो पल्प होगा उसका हम जूस बनाएंगे। ये देखिए, इसको मैंने ब्लेंडर में डाला है और इसके बाद इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसमें लेमन डालेंगे हम। 2 टीस्पून लेमन जूस लिया है मैंने और ये ऐड कर देंगे हम। इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, तकरीबन 1 कप इसमें पानी ऐड किया है, आइस क्यूब ऐड किए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे कि इसके जो छिलके हैं वो अच्छे से इसमें पिस जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, इतना खूबसूरत कलर आया है। क्या उनका वैसे कलर बहुत प्यारा होता है और जूस में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम इसको बहुत अच्छा सा देखेंगे, ब्लेंड हो रहा है, बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे हम इसे। हाँ जी, जब ये अच्छा सा पिस गया तो मैंने इसकी शुगर चेक की थी तो मुझे ये थोड़ी कम चीनी लग रही थी, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून शुगर और ऐड की है। टोटल इसमें मैंने यूज़ किए 5 टीस्पून शुगर। जूस हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसमें हम अब काला नमक ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। इसमें नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम मैंने तकरीबन 1/2 मिनट और ब्लेंड किया ताकि नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमारा जामुन का जूस रेडी है, बहुत खूबसूरत कलर, बहुत रिफ्रेशिंग। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जामुन का जूस रेडी है, खूबसूरत और यमी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरह का हॉट वेदर हो रहा है उस तरह के जूस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सब एंजॉय करते हैं। जूस की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।